हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर ऑनलाइन कोर्स करना है, एक सिंपल ऐप डाउनलोड कर देना है प्लस वन ट्रेनिंग नाम का, जिसके ज़रिए आप ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। ये गूगल प्ले स्टोर में फ्रीली उपलब्ध है, फ्री है ऐप, फ्री है, लेकिन खाली कोर्स करने के आपको पैसे लगेंगे ऑफकोर्स। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए कोर्स करना चाहते हो तो www.plusoneonline.com के ज़रिए आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल ज़रूर कर सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एडवांस एक्सेल के कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जल्दी हम लोग एम्बेडेड, ऑटोकैड, कंप्यूटर बेसिक, सोलर रिलेटेड कोर्सेज भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप बिंदास कोर्स करिए। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप ये कोर्स करने के बाद आपको सक्सेसफुल 100% होगे, और ये कोर्स करने के बाद आपके सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपके घर तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ माइक इन मोबाइल, यानी कि मोबाइल के अंदर जो अलग अलग प्रकार के माइक रहते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि मोबाइल के अलग अलग स्वरूप हैं, ये देखिए इतने सारे स्वरूप के अलग अलग टाइप के जो माइक उपलब्ध रहते हैं। तो बेसिकली इसमें से ये बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये यूनिवर्सल माइक है, हालांकि उसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिया है, हर एक का सीरियल नंबर रहता है, सीरियल नंबर के आधार पे ही ये माइक पहचाना जाता है। और ये डिजिटल माइक इसको बोला जाता है, ये आपको जो स्क्वायर फॉर्म में दिखता है, आईसी के स्वरूप में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल माइक्स। ओके, लेकिन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये देखिए, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे मेरा माउस यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जिसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर माइक या कंडेंसर माइक, आप जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप दूसरे नाम से आप यूनिवर्सल माइक भी आप बोल सकते हैं। हालांकि दोनों सबका स्वरूप जो है अलग अलग है, लेकिन अंदर जो रहता है उसकी टेक्नोलॉजी, ये जो माइक है और ये जो माइक है, ये है, ये है, उसकी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उन सब के बीच में, और उनको हम कंडेंसर माइक के स्वरूप में ही जानते हैं, ठीक है। ये भी आप माइक देखोगे तो वही है, खाली इसमें वायर बाहर निकले हुए, जबकि इसमें वायर बाहर नहीं निकले हुए रहते हैं, ठीक है। और ये सब है डिजिटल माइक्स। तो बेसिकली आज मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा कि इसमें रहता क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये जो है यूनिवर्सल माइक, ये यूनिवर्सल माइक की खासियत जो हम लोग देखें तो ये इसमें वायर लगे रहते हैं, जिसको हम लोग चाइनीज़ माइक भी बोल सकते हैं। जनरली चाइना के मोबाइल्स में ये ज़्यादातर देखने मिलते हैं, और ये काफ़ी सस्ते भी रहता है। अगर आप बाज़ार में लेने जाओगे तो शायद 10 रुपये का 5 माइक आपको आराम से मिल जाएगा, ना कि तकरीबन 2 रुपये का एक माइक पड़ता है। शायद होलसेल मार्केट में तो और भी कम पड़ता रहेगा, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज़ बेचते नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर दो वायर रहते हैं मौजूद, कि एक प्लस का और एक माइनस का, जिसमें जो लाल कलर का वायर है वो है प्लस, ब्लैक कलर का वायर रहता है वो आमतौर पर रहता है माइनस। तो इसमें जो प्लस रहता है वो आपको प्लस का निशान इस तरीके से दिखाएगा, वायर नहीं लगा हुआ रहेगा तो प्लस का निशान इस तरीके से लगा हुआ रहेगा, और माइनस में अगर आप रहेगा तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ये देखिए इतनी सारी चीज़ें इसके एक माइक के अंदर रहती, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी ने माइक के अंदर क्या है उसका कोई वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या रहता है। तो ये चीज़ रहती है अंदर, ठीक है। तो एक माइक को अगर मैं खोलने की कोशिश करूँ तो ऊपर आपको देखो काले कलर का ऑरेंज दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ओके, यहाँ पे भी आपको, इसको हम लोग बोलते हैं डस्ट कवर। डस्ट कवर का मतलब क्या होता है कि कोई धूल मिट्टी वगैरह अंदर ना चली जाए, इसके लिए डस्ट कवर का प्रयोग होता है। ये हमारी बॉडी रहती है, इसमें एक ऊपर की तरफ, अगर डस्ट कवर आप हाथ से निकाल के देखोगे तो अंदर एक होल रहता है, जिसके ज़रिए हमारा आवाज़ जो है अंदर की तरफ जाता है। अंदर जो सबसे पहली प्लेट लगाई हुई रहती है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रकार का वाइब्रेटिंग करने वाला पदार्थ, ओके, इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटिंग करने वाला एक पदार्थ, इस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं। और ये रहता है पिकअप प्लेट, ये दोनों के बीच में एक रिंग लगाई रहती है जो दोनों को अलग रखने का काम करती है। अगर नॉर्मल भाषा में आपको समझाऊँ कि आपके आवाज़, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा आवाज़ ये माइक के अंदर जा रहा है, राइट, अंदर जो ये दोनों प्लेट के बीच में ना वाइब्रेशन हो रहा है, और ये वाइब्रेशन को महसूस करने का काम ये ट्रांजिस्टर करता है, एक एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर रहता है। बेसिकली एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर का जो काम रहता है, ये प्लेट के साथ में, ये पिकअप प्लेट जो रहता है ना, उसके साथ में इसका एक पैर जुड़ा हुआ रहता है, और इसके दो पैर ऐसे बाहर निकले हुए रहते हैं, ये देख सकते हैं आप, बाहर निकले हुए प्लेट वायर है, जिसमें से एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, ओके। तो बेसिकली एम्पलीफाइंग ट्रांजिस्टर रहता है, जो कि एन चैनल ट्रांजिस्टर रहता है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है हमारी, ये पिकअप प्लेट के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग कुछ बातचीत करें ना, ये दोनों के बीच में वाइब्रेशन होगा और उसको ये महसूस करेगा, उसके आधार पर ये फ्रिक्वेंसी बना के बाहर निकालेगा।
तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एक छोटे से डिवाइस में, बटन के डिवाइस में, आजकल तो इससे भी छोटे आ गए हैं माइक जो कि हमारे मोबाइल्स में रहते हैं। तो ये है एक माइक के अंदर की चीज़ है, बहुत ही आसान लग रहा है ना आपको। तो देखते हैं ये वाला माइक, हालांकि ये वाला माइक जिसको हम लोग पहला डिजिटल माइक कहा जाए मोबाइल की भाषा में, ये बहुत ही छोटा और बहुत ही मतलब इससे तो कई गुना छोटा भी है ये है। ओके, इसके अंदर बात करें तो आपको आगे की साइड में ऐसा खड्डे जैसा दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड में आपको चार पिन्स नज़र आती है। हालांकि ये चार पिन की बात करें तो इसमें आपको बताया गया है कि इसमें से एक जो रहता है वो VCC यानी कि जो वोल्टेज अंदर लेके प्लस, जिसको हम लोग बोल सके, एक माइनस रहता है, एक डेटा आउट रहता है, एक क्लॉक इन रहता है। तो इस प्रकार से ये चारों पिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया रहता है। इसके अंदर क्या रहता है इसके डिटेल भी बता दूँ कि यहाँ पे साउंड आने का एक जगह जो होल आपको दिखाई दे रहा है वो ये है। ओके, इसके अंदर आपको दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, बीच में एयर गैप है। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दो प्लेट्स, इसके दोनों के बीच में फ्रिक्वेंसी जनरेट होता है यानी कि वाइब्रेशन पैदा होता है और ये वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए ये वाला जो एम्पलीफायर है वो ट्रांस करता है, जिसको हम लोग ADC IC भी बोल सकते हैं, ये प्रीएम्प जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा ट्रांजिस्टर है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है, और इसके ज़रिए महसूस होता है सिग्नल्स और इसके ज़रिए डिजिटली सिग्नल बाहर निकलेगा। यस, डिजिटली, यहाँ पे देख सकते कि एनालॉग सिग्नल्स ही बाहर निकलते थे जबकि ये डिजिटली, यानी कि इससे क्या होता है कि आपका ही आवाज़ वो पकड़ने की कोशिश, आजू बाजू का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं लेता है। ये डिजिटल माइक की खासियत है और ये डिजिटल स्वरूप में आउटपुट बाहर निकलता है। एनालॉग और डिजिटल दो अलग अलग स्वरूप रहते हैं कोई भी सिग्नल के, तो ये डिजिटल सिग्नल में आउटपुट को बाहर निकालने का काम करता है। तो इसके लिए ये जो माइक है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वॉइस पकड़ने के लिए। लेकिन आजकल उस माइक की जगह पे, यानी कि पहले ये वाला जो माइक्स आते थे चार पिन वाले, उसकी जगह पे ये वाले माइक आजकल यूज़ होते हैं। ये माइक की खासियत ऐसी है कि इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये साइड पिन्स है, 2 पिन्स ये साइड में और बीच में ऐसा होल दिया, यानी नीचे की तरफ आपको होल नज़र आता है। पहले ऊपर की तरफ होल आते थे, आजकल जो है नीचे की तरफ ही होल आता है। आजकल आपके मोबाइल्स में दो माइक का इस्तेमाल तो होता ही है, एक कैमरा के बाजू में आपको छोटा सा होल नज़र आता है, जो आप वीडियो शूटिंग के दरमियान जो आप बातचीत करते हो उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग माइक रहता है, और आप जब भी फ़ोन आता है तभी बातचीत करते हो उसके लिए माइक अलग किस्म का रहता है। तो ये वाले माइक आजकल लेटेस्ट फ़ोन में इस्तेमाल होता है। इसकी खासियत इसके अंदर मैं बता दूँ कि इसमें जो नीचे की जो एक, ये दो, ये जो आपको दिख रहे हैं, मतलब सॉरी एक ये और एक ये दो दिख रहे हैं, इसके बीच में ये होल है, राइट, एक दो और ये बीच का पिन, ये क्लॉक रहता है, ये आप तीनों को ग्राउंड भी आप बोल सकते हैं, ये तीनों जो है ग्राउंड है, ठीक है, एक प्रकार से। तो एक, वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 1, 2 और 3 तीनों को आपस में जोड़ दीजिए और ये जनरली डेटा और VCC रहता है, यानी कि प्लस आप बोल सकते हैं। ये दोनों के बीच में एक रजिस्टर बैठा देना पड़ता है, 5 किलो ओम्स का रजिस्टर बैठाना पड़ता है, 2.2 किलो ओम्स से लेकर 5 किलो ओम के बीच में वेरी करता है रजिस्टर। यहाँ पे आपको एक रजिस्टर कनेक्ट करना पड़ता है और ये पिन को आपस में जोड़ देना है, और ये जोड़ने पर आप यूनिवर्सल माइक भी इसके साथ में लगा सकते हो। यानी मान लो कि आपके PCB के ऊपर ये माइक नहीं बैठता, तो PCB पे जो पॉइंट्स रहते हैं आप इस प्रकार से आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो ये PCB के पॉइंट्स हैं हमारे, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट को आपस में जोड़ दो, ये और ये दोनों के बीच में एक रजिस्टर बिठा दो और एक यूनिवर्सल माइक ले लो। तो यूनिवर्सल माइक का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो आप यहाँ पे रजिस्टर के साथ में कनेक्ट कर लीजिए और नेगेटिव वाला जो हिस्सा, ये तीनों को जहाँ पे आपस में जोड़ा है उसके साथ में जोड़ दीजिए। तो आप डिजिटल माइक को हटा के एनालॉग माइक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यस, एनालॉग माइक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो डिजिटल माइक को हटा के। ऑफकोर्स क्लियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आप टेम्पररी सॉल्यूशन अगर आप करना चाहते हो, आपके मोबाइल का माइक का प्रॉब्लम आ रहा है और सॉल्यूशन करना चाहते हो डिजिटल माइक आपको बिठाने में नहीं, क्योंकि डिजिटल माइक बिठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, इसलिए आपको यूनिवर्सल माइक कभी कभी बिठाना पड़ता है, तो उसका जो सॉल्यूशन रहता है वो इस प्रकार से रहता है। याद रखें कि ये तीनों पिन को आपस में जोड़ देना है, जो नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा और पॉजिटिव में ये और ये पिन आपस में जुड़नी चाहिए, बीच में एक रजिस्टर दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कनेक्शंस होता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक मोबाइल के ऊपर, मोबाइल की माइक के ऊपर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया। दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल का ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसके आगे की पूरी डिटेल ऑनलाइन कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन कोर्स आप शुरू कर सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले वीडियो को। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। प्लीज़ 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 शेयर कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट में लिखिए कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।